नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX Sure Gain के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं एल्गोक्रैप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। एल्गोक्रैप एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 12 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर्स दिए हुए हैं हमने, जिनके थ्रू आप अपना ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर MT4 का इस्तेमाल करेंगे और MT4 में हम इंडिकेटर जो हम लगाएंगे उसका नाम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि अगर आप करते हैं ट्रेडिंग मूविंग एवरेज के इंडिकेटर के ऊपर तो आप किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, ताकि वो अच्छे से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर पाएँ और प्रॉफिट कमा पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म algocrab.com। सबसे पहले हमें algocrab.com पे जाना होता है, जो कि है एक ब्रिज का काम करता है यहाँ पर MT4 के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो है मूविंग एवरेज के साथ किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग करनी है उसके बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना होगा algocrab के प्लेटफॉर्म पर और वहाँ पर करना होगा साइन अप। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करके जब मैं जाऊँगा यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहला हमें मिलेगा ऑथेंटिकेशन का सेक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा ब्रोकर सिलेक्ट, और ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद हमें अपनी ब्रोकर की क्रेडेंशियल्स डालनी होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, आप देख सकते हो अलग अलग ब्रोकर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो जिसमें भी आपको ट्रेडिंग करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से अपनी क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो। डालने के बाद आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करेंगे आपको एक टोकन मिलेगा जो यहाँ पर आपको दिखेगा। मेरा यहाँ पर कोई पोजीशन चल रही है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर मुझे मेरा टोकन जो है दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया, तो अभी यहाँ पर मुझे टोकन दिखाने लगेगा। ये देखिए ये टोकन मुझे दिखा रहा है। अब अगर मैं वैलिड टोकन पर क्लिक करूँगा तो मुझको टोकन यहाँ पर एक मैसेज आएगा एक्सेस टोकन वैलिड। तो अगर एक्सेस टोकन वैलिड है इसका मतलब अभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये काम हमें डेली करना है और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है MT4 ब्रिज में। यहाँ पर हम कोई भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना है। जैसे ये आइडिया का जो सिंबल था इसी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ और आइडिया के सिंबल में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई और सिंबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर SBIN क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, SBIN लिखूँगा। ठीक है, SBIN NSE आ गया, सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा। ये SBIN का सिंबल यहाँ पे नीचे कार्ड आ गया। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मैं SBIN में ट्रेड कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, आज की जो ट्रेड है वो SBIN में करते हैं। और सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंडिकेटर डाउनलोड करना होगा जिस इंडिकेटर पर हमें काम करना है। तो इंडिकेटर के लिए हमें जाना होगा मार्केट प्लेस में। जैसे मैं मार्केट प्लेस में जाऊँगा, यहाँ पर ब्रिज टूल के अंदर आता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर का जो है यहाँ पर वो ये रहा, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंडिकेटर। इसको डाउनलोड करूँगा मैं। डाउनलोड करने से ही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इसे शो इन फोल्डर करना और इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें जाना मेटा ट्रेडर 4 में। दोस्तों ये मेटा ट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यहाँ पर आपके इसको पेस्ट करेंगे इंडिकेटर को। ठीक है, और हम जाएंगे कहाँ पर मैं दोबारा से बताता हूँ। फाइल में जाएंगे, ओपन डेटा फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद हमें जाना होगा MQL4 में और उसके बाद इंडिकेटर्स के फोल्डर में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया मूविंग एवरेज के नाम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग और करनी होती है, उसके लिए हमें टूल्स में जाना होगा, ऑप्शंस में जाना होगा और यहाँ पर एक्सपर्ट्स एडवाइज़र के टैब में अलाउ DLL इंपोर्ट करना होगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं किया तो ट्रेड नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप प्रायोरिटी पे ध्यान दीजिएगा कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप MT4 में काम कर रहे हो। अब उसके बाद हमें यहाँ पर नेविगेटर में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा इंडिकेटर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब इंडिकेटर दिखाई देने लगे। अब हमें ट्रेड करना था SBIN में, तो यहाँ पर हम SBIN का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, ये SBIN का चार्ट दोस्तों मैंने लगा दिया है, ये चार्ट चल रहा है यहाँ पे। इसमें मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लगाने से ट्रेड करके दिखाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो इतनी कैंडल
मतलब 5 मिनट बाद बंद होगी तो 5 मिनट बाद ही नए एरो बनेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कितने जल्दी हमें एरो बनाने, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर जो सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ आपको वो सेटिंग यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप जो जिस सेटिंग में काम करते हैं आप उसी सेटिंग पर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट, इनपुट में हमें आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट मूविंग एवरेज, फर्स्ट मूविंग एवरेज यानी कि फास्ट मूविंग है, दो मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर पर काम कर रहे हैं, तो पहली मूविंग एवरेज और दूसरी मूविंग एवरेज के पीरियड हम यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 पीरियड और यहाँ पे डालता हूँ 2 पीरियड। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से जो भी डालनी है वो करना है, ठीक है। मैं क्योंकि इसलिए मुझे आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे एरो दिखाना है, क्योंकि 10-5 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर हमें ट्रेड करके फिनिश करना होता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट मूविंग एवरेज मैंने 1 डाली है और सेकेंड मूविंग एवरेज मैंने 2 डाली है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का जो फॉर्मेट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल करनी है, एक्सपोनेंशियल करनी है, कौन सी करनी है। अगर सिंपल करनी तो आप इसको 0 रखेंगे नीचे वाले को, अगर एक्सपोनेंशियल करनी है तो आप 1 रखेंगे, स्मूथ करनी है तो आपको 2 रखेंगे, और लीनियर वेटेड करनी है तो 3 रखेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे EMA सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है दोस्तों बाय एंड सेल, अगर आप बाय एंड सेल पर क्लिक करते हैं तो बाय और सेल के दोनों के ट्रेड्स होंगे, अगर आप ओनली बाय पर सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ बाय के सिग्नल आने पर आपका ट्रेड होगा और सेल के सिग्नल आने पर पोजिशन क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही सेल के सिग्नल पे अगर ओनली सेल सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सेल का ट्रेड लेगा और बाय के ट्रेड आने पर आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय सेल सिलेक्ट करता हूँ। स्टॉप लॉस ऑन, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस ऑन कर सकते हैं और उसके बाद नीचे उसके पॉइंट्स लिख देंगे। टेक प्रॉफिट ऑन में भी आपको अगर प्रॉफिट लगाना है तो आप ट्रू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टेक प्रॉफिट के पॉइंट्स लिख देंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन करना है तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी ट्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है, ये ईमेल पासवर्ड है हमारे एल्गो क्रैब के ईमेल और पासवर्ड, वो मैं डाल देता हूँ। अब आता है दोस्तों यहाँ पर आ रहा है API ट्रेडिंग ट्रू, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, एल्गो ट्रेडिंग नहीं करनी तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ चार्ट में इंडिकेटर दिखाएगा। यूज़र की हमें भी डालनी है, यूज़र की हमें हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगी, यहाँ पर जब हम जाएंगे MT4 ब्रिज में, ठीक है। तो ये यूज़र की है, ये मैंने कॉपी कर ली, इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की हमें पेस्ट करनी है, इंस्ट्रूमेंट की हमने यहाँ से ली और ये हमने पेस्ट कर दी। उसके बाद दोस्तों ये आ रहा है रेगुलर ऑर्डर मारना है, क्या मारना है। देखिए अगर आप NSE कैश में ट्रेडिंग कर रहे थे तो रेगुलर यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो MIS या तो CNC सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे MIS सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर सेल का ऑर्डर भी आएगा तो MIS में ले लेगा, अगर CNC सेलेक्ट करूँगा और पहला ऑर्डर सेल आया तो लेगा नहीं। क्वान्टिटी में मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, ओके करने से यहाँ पर चार्ट में आपको कुछ एरोज़ दिखाई देंगे, आप देख रहे हो कुछ एरोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आप अगर बॉटम पर जाके देखेंगे तो टर्मिनल विंडो में एक्सपर्ट की में यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि चार्ट वगैरह हमने लगा दिया, इंडिकेटर लगे। अब हम नए एरो का वेट करेंगे, जैसे ही नया एरो आएगा वैसे ही आपका ट्रेड हो जाएगा। मैं इसकी स्क्रीन पे थोड़ा सा, ये देखिए ट्रेड हो गया सेल का, यहाँ पर मैसेज आ गया सक्सेस। और अब हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जो कि है एल्गो क्रैब, एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेड्स का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेड हिस्ट्री देखने का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिखा रहा है 1 क्वांटिटी सेल हो गई और सक्सेस का मैसेज आ गया और ऑर्डर आईडी आ गई। अब हम अगर अपने ब्रोकर में जाके देखना चाहते हैं तो हम अपने ब्रोकर में जाके भी ये ऑर्डर को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर्स में जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों SBI इनका एक ट्रेड का ऑर्डर कम्प्लीट हो गया, ये मेरी ट्रेड यहाँ पर कम्प्लीट हो गई सेल की। जैसे ही अब मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहता हूँ तो यहीं पे प्लेटफॉर्म पे ही हमारे को ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से अब ये चार्ट में मैंने मेरे को मान लो लगता है कि प्रॉफिट हो गया सफिशिएंट जितना मुझे प्रॉफिट करना था, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे मैं आऊँगा, यहाँ पे MT4 ब्रिज में जाऊँगा और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ का बटन है दोस्तों, इसको मैं प्रेस कर दूँगा। जैसे मैं स्क्वायर ऑफ का बटन प्रेस करूँगा ये स्टॉप हो जाएगा मेरा ट्रेड और स्क्वायर ऑफ हो गई पोजिशन। अब अगर हम जाके देखना चाहते हैं दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म पर तो हम देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ऑर्डर पे गया, ये देखिए मेरी पोजीशन यहाँ पे सेल के बाद बाय की स्क्वायर ऑफ हो गई तुरंत की तुरंत, ठीक है। 53 रुपये 30 पैसे में मेरा सेल हुआ और 452 रुपये 40 पैसे में, यानी कि 1 रुपये के आसपास का मुझे 90 पैसे का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों ये एल्गो ट्रेडिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि भी आपका जो ट्रेड है वो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के थ्रू हो या कोई भी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, यानी कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1-2 लगाया, आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं 21 और 40 का, तो इस तरीके से आप जो भी आपका मन करे वो आप लगा सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट आप लगा सकते हैं जिस पे आपको ट्रेडिंग करना है, उसके हिसाब से ये सिग्नल आपको दिखाने लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पर बाय का सिग्नल आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्नल दिखाने लगेगा और इसके ऊपर ट्रेड हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर मान लो आप चाहते हैं कि कोई और स्ट्रेटजी
आपको खुद की बनवानी है जिस पे आपको ट्रेड करनी है तो वो भी आप बनवा सकते हैं। हमें एक ईमेल भेजना होगा आपको, हमारी मेल आईडी आपको नीचे दिख जाएगी, उस ईमेल आईडी पे आप एक मेल डाल दीजिए जिसमें कि आप अपनी कंडीशंस लिख दीजिए बाय और सेल की, फिर हम आपको MT4 पे इंडिकेटर बना देंगे और वो इंडिकेटर को आप ऑल्गो ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज के इंडिकेटर का यूज़ करके हमारे प्लेटफॉर्म वाले एल्गो क्रैब के आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एल्गो क्रैब पर आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। 6 दिन के फ्री ट्रायल में आप पेपर ट्रेडिंग एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं भी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, आपके लिए कुछ खास लेकर आऊँगा, कुछ और इंडिकेटर्स या किसी और नए इंडिकेटर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।